शॉटगन वेडिंग। दोस्तों ये मूवी एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसमें आपको थोड़ा बहुत एक्शन भी देखने को मिल जाएगा। बेसिकली ये मूवी एक ऐसे कपल पे बेस है जो कि अपनी शादी का प्लान एक डेस्टिनेशन मैरिज के तौर पे रखते हैं। और दोस्तों मैं इस मूवी को पूरी देख चुका हूं और मेरा क्या कुछ अच्छा और बुरा एक्सपीरियंस रहा है इस मूवी को देखने के दौरान, वो मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों क्या हो अगर किसी लड़की का एक्स उसकी शादी में बिन बुलाए आ जाए, कैसा रिएक्शन होगा लोगों का, यही सीन इसके अंदर देखने लायक है दोस्तों। और इस सीन को देखने के बाद मुझे काफी ज्यादा मजा आया था कि भाई एक लड़की का एक्स जो बिन बुलाए उसकी शादी में आ चुका है, अब आगे क्या क्या होगा ये देखने लायक होता है दोस्तों मूवी के अंदर। और वहीं अगर मैं बात करूं एक्टिंग की तो जेनिफर और जोश ने एज डार्सी और टॉम का रोल काफी बखूबी निभाया है। दोस्तों इन दोनों की एक्टिंग देखने लायक है, खासकर उस वक्त जब इन दोनों की शादी तय हो जाती है और उसके बाद में ये दोनों लड़ने लगते हैं और फिर भी एक प्यार रहता है दोनों के बीच में, तो वो जिस तरीके से एक एक्सप्रेशन देने चाहिए वो देखने लायक होते हैं दोस्तों। और दोस्तों उस वक्त काफी अच्छा लगता है जब ये दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं बट फिर भी प्यार मोहब्बत रहता है इन दोनों के बीच में, तो वो सीन काफी अच्छा होता है और देखने लायक होता है। और अगर मैं बात करूं मूवी की स्टोरी की तो मूवी की स्टोरी शुरू होती है डार्सी और टॉम से, जो कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं। और वो अपनी शादी का प्लान एक डेस्टिनेशन मैरिज के तौर पे एक आइलैंड पे रखते हैं और वहाँ पे अपने सभी रिलेटिव्स को इनवाइट करते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, जब ये लोग उस डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं और अपनी शादी का प्लान करते हैं और वहाँ पे सभी रिश्तेदारों को बुला लेते हैं, तो उसी वक्त क्या होता है कि कुछ समुद्री लुटेरे होते हैं वो शादी के फंक्शन पे अटैक कर देते हैं। अटैक करने के दौरान कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है, बस यहीं से मूवी का जो प्लॉट होता है जो मूवी की कहानी होती है बेसिकली वो यहीं से शुरू होती है। और वहीं जेनिफर और जोश ने एज डार्सी और टॉम का रोल काफी बखूबी निभाया दोस्तों डार्सी और टॉम ने काफी हद तक पब्लिक को हंसाने की कोशिश करी है इस मूवी को देखने के दौरान। शुरू में तो आपको कॉमेडी ठीक ठाक लगेगी लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है कॉमेडी लेवल डाउन होने लगता है। तो मैं ये कहूँगा कि मूवी इंटरटेनमेंट के पर्पज से अच्छी है, थोड़ा बहुत एक्शन भी देखने को मिल जाता है, थोड़ा बहुत रोमांस भी देखने को मिल जाता है, थोड़ा बहुत अच्छा ड्रामा भी देखने को मिल जाता है। तो आपको ये एक एवरेज मूवी लगेगी और आप इस मूवी को बहुत ही अच्छे से देख सकते हो। मूवी की लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो मूवी की लेंथ जो है लगभग 1 घंटे 40 मिनट की है, तो आपको ये मूवी कहीं भी आपको बोर नहीं करेगी, बट आप मूवी देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छा इंटरटेन फील होगा। तो दोस्तों मूवी के अंदर देखना यह है क्या डार्सी और टॉम एक दूसरे से शादी कर पाएंगे, क्या वो जो लुटेरे हैं उस शादी के फंक्शन में अटैक किया है वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे, क्या वो जो उस लड़की का एक्स है जो बिन बुलाए शादी में आ गया है क्या वो शादी आगे देख पाएगा, क्या मकसद है आखिर उसका इस शादी में आने का। दोस्तों कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं दूसरी तरफ उसका एक्स भी बहुत बड़ी साजिश कर रहा हो इस शादी के अंदर। तो दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब आपको ये मूवी देख के पता चलेंगे। तो आप जब ये मूवी देख लोगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। दोस्तों मूवी के अंदर एक सीन है वो कुछ हद तक देखने लायक है और आपको काफी ज्यादा अटपटा लगेगा, तो वो ये है कि उस लड़की का फादर बोलता है डाकुओं से कि इन दोनों को शादी कर लेने दो, जब ये शादी कर लेंगे तो मैं तुम्हें फिरौती की रकम बढ़ा कर दूंगा। दोस्तों ये सीन देखने लायक होता है, मतलब तुम खुद सोचो एक मतलब दोनों की शादी है और कुछ डाकू है वो अटैक कर देते हैं, तो क्या वो ये कहेंगे कि भाई लड़की और लड़के को शादी कर लेने दो उसके बाद मैं तुम्हें फिरौती की रकम बढ़ा के भी दे दूंगा। तो ये सीन देखने लायक होता है, भाई अगर ऐसा सीन रियलिटी में होता है तो लोगों के फटके हाथ में आ जाएगी, ना कि ये होगा कि भाई शादी कर ले दो हम फिरौती की रकम बढ़ा के देंगे। तो भाई ये सीन देखने लायक होता है और काफ़ी हंसी आती है मेरे को इस सीन पे। वेल दोस्तों अगर मैं बात करूँ मूवी के स्क्रीन प्ले की तो स्क्रीन प्ले भी अच्छा है और डायलॉग्स भी अच्छे हैं। और दोस्तों वही मूवी को IMDb रेटिंग मिली है 5.6 out of 10, और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं इस मूवी को रेटिंग करूँगा 5 out of 10। तो दोस्तों आप जब ये मूवी देख लोगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको मूवी के अंदर कौन कौन से ऐसे सीन है जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे और कौन कौन से ऐसे सीन है जो आपको बहुत ज़्यादा अटपटे लगे। और दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।